अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अराकीन को लिखे गए खत और इसकी तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन के ऐलान के बाद कानूनी और सियासी हलकों में बहस चढ़ गई है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमीशन के क्याम को मुस्तरद करते हुए अदिया से 1843 के तहत इल्जाम की खुद तहकीकत करने का मुतालबा किया है, तो दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के फैसले का दिफा कर रही है। मगर अहम बात यह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने अपने खत में जो मुतालबात किए थे उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि इन जजेस ने चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के दीगर अराकीन को लिखे गए खत में जुडिशियल कन्वेंशन बुलाने की दरख्वास्त की थी और काउंसिल से इस बात की रहनुमाई मांगी थी कि अगर हसास इदारों और एग्जीक्यूटिव की जानिब से जजेस पर दबाव डाला जाए तो ऐसे में जजेस का क्या कंडक्ट होना चाहिए या उन्हें क्या लायमल अपनाना चाहिए। मगर ना ही हुकूमत ने इस पर कोई बात की है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के ऐलानिये में इन दोनों बातों का कोई जिक्र है। बहरहाल अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान कल होने वाली मुलाकात में यह तय हो गया है कि इस मामले की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज के बजाय एक साबिक रिटायर्ड जज करेंगे, जिनके नाम का फैसला कल वफाकी काबीना के इजलास में होगा। और ये कमीशन इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के तहत बनेगा, जिसका मतलब यह है कि वफाकी काबीना ही इंक्वायरी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस का तयन करेगी, यानी जिस एग्जीक्यूटिव और उसके मातहत इदारे पर जजेस ने अदिया पर दबाव डालने के इल्जाम लगाए हैं वही एग्जीक्यूटिव इस बात का फैसला करेगी कि ये तहकीकात कौन करेगा और ये तहकीकात कैसे होगी। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि जजेस के इन इल्जाम पर किसी किस्म की इंक्वायरी होने से पहले ही बाज़ हुकूमती रहनुमाओं ने अपने बयान में इन जजेस की नीयत और टाइमिंग पर सवाल उठा दिए हैं, जबकि इस कमीशन की सरबराही एक रिटायर्ड जज को सौंपने के फैसले ने इस हुकूमत के माजी के फैसलों पर भी सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि इन्हीं वजीर आजम शहबाज शरीफ ने और इन्हीं वजीर कानून आजम नजीर तारन ने पिछले दौर में जजेस की ऑडियो लीक्स के मामले पे जो कमीशन बनाया था उस पर रिटायर्ड जजेस के बजाय हाजिर सर्विस जजेस को शामिल किया गया था और उस कमीशन की सरबराही जस्टिस काजी फैज ईसा को ही दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने इस मामले को आर्टिकल 1843 के तहत टेकअप करने का क्यों जरूरी नहीं समझा, ये सवाल अपनी जगह अहम है। मगर आज साफी असनाद मालिक की खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जो फुल कोर्ट इजलास बुलाया था, बाद जजेस ने इंक्वायरी कमीशन के क्याम पर गहरे तहफ़ुज़ात का इजहार किया था। खबर के मुताबिक दूसरी फुल कोर्ट में बाद जजेस ने कमीशन के क्याम पर इख्तलाफ करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कमीशन का क्याम ताकत के 3 मराकज के दरमियान तवाजुन और अदलिया की आज़ादी को मुतासर करेगा। जबकि अहम बात यह है कि खबर के मुताबिक पहली फुल कोर्ट मीटिंग में बाद जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को हीरो भी करार दिया था। बहरहाल अब इम्कान है कि वफाकी हुकूमत कल कमीशन के क्याम का ऐलान करेगी, मगर तश्वीश की बात यह है कि कमीशन की तश्कील से पहले ही हुकूमत ने इन जजेस की नीयत टाइमिंग और कंडक्ट पर सवाल उठा दिए हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पर कहा कि कमीशन ये भी देखेगा कि इल्जाम लगाने वाले जजेस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हैं या नहीं। कमीशन ये भी देखेगा कि अगर ये इल्जाम दुरुस्त साबित नहीं होते तो फिर क्या करना होगा। ये मामला हम अदलिया पे छोड़ते हैं कि ये मिसकंडक्ट है या नहीं है, या वो ये समझते हैं या नहीं समझते। बतौर हुकूमत हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि एक आवाज़ उठी है, एक सेट ऑफ एलिगेशंस आया है, उसकी तहकीक होनी चाहिए। अगर वो बातें दुरुस्त हैं तो फिर उस पर क्या होना चाहिए ये भी उसके TORs में होगा, और अगर ये बातें दुरुस्त नहीं हैं, ये साबित नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा। इस पर भी हमें बड़ा संजीदगी के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक इंतहाई संजीदा और संगीन मामला है जिसको बड़ी संजीदगी के साथ लेना चाहिए। इसके अलावा वफाकी वजीर कानून ने कल प्रोग्राम शाहजेब खानजादा में ये दावा भी किया कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी किरदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अगर अपने दामन में झांके और माजी में क्या क्या होता रहा उनके दौरे हुकूमत में, मेरे ख्याल में उन्हें बड़ी सोच समझ के ये बातें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं हुआ उस दौर में, और हम खुद गुजरे हैं उसमें से। लेकिन मैं टिट फॉर टैट की बात नहीं करूंगा। तरीके इंसाफ ये भूल रही है कि वो फरीक है इस सारे मामले में, और शायद किसी स्टेज पे कुछ और शवाहिद भी आए कि इस सारे मामले के पीछे तरीके इंसाफ का किस हद तक रोल है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं बड़ी संजीदगी से बात करूंगा और किसी किस्म के सियासी बयानबाजी से इज्तनाब भी करूंगा। हुकूमत के इन बयानात और रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन के ऐलान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद करते हुए एक आज़ाद जुडिशल कमीशन के क्याम का मुतालबा कर दिया है। एक नामजद मुस्लिम मुजरिम को अपने ही केस में खुद जज बन के फैसला करने की इजाजत नहीं है और नहीं होने देंगे। शेम ऑन दोस पीपल जिन्होंने ये रिकमेंड भी किया है कि इस किस्म की कोई कमीशन बने अंडर दी कमांड ऑफ दी फेक प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। ये इस वक्त आप जो विटनेस कर रहे हैं वो है जुडिशियल सरेंडर।
जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस खुद एग्जीक्यूटिव के सामने फरोख्त कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस को हीरो करार दे रही है, मगर पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत इस मामले पर भी पार्टी लाइन से अलग खड़े नजर आ रहे हैं, जिन्होंने खत लिखने वाले जजेस से सवाल किया है कि अगर इन जजेस को दबाव का सामना था तो इन जजेस ने दबाव डालने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की। शेर अफजल मरवत जो पहले भी कई पार्टी मामलों पर पार्टी से मुख्तलिफ पोजिशन लेते रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि जब पिछले साल ये मामला हुआ तो इन जजेस को चाहिए था कि जो लोग इन पर दबाव डाल रहे थे, जो धमकियां दे रहे थे, उनके खिलाफ तौहीन अदालत का वो नोटिस देते। एक साल बाद अब वो खत लिख रहे हैं और इस हवाले से हमने जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो मौके पे वो भी शामिल किया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ कह रही है या तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनता या तो जुडिशल कमीशन इस पर बनता या तो 1843 के तहत सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को टेकअप करता, लेकिन हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इंक्वायरी कमीशन जो है वो रिटायर्ड जज की सरबराही में बनेगा, जिसकी टी ओ आर हुकूमत देगी और उसके बाद इस पूरे मामले की छानबीन की जाएगी। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस पूरी सूरतेहाल पर बात करेंगे, इस पर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और हुकूमत का भी मौकफ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी, सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपका केस इस पूरे मामले में बड़ा अहम है, क्योंकि पहले जब आपने आवाज़ उठाई थी कि आपके जो अदालती काम थे उसमें मुदाखलत हो रही थी, बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आपको बरतरफ किया और फिर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने आपको जो है बहाल भी कर दिया, ये फैसला पिछले हफ्ते ही आया है। अब 6 जजेस ने खत लिखा है और इसके बाद इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का हुकूमत ने फैसला किया है, जिसकी सरबराही रिटायर्ड जज करेंगे। आप क्योंकि खुद इस पूरे मामले से गुजर चुके हैं, आपके ख्याल में ठीक तरीके से तहकीकात हो सकेगी, ये दुरुस्त कदम है या कोई और फैसला होना चाहिए था? देखें शहजाद, सबसे पहले तो ये एक बुनियादी बात ये जहन में रखें कि जब मैंने ये बात की थी उस वक्त इस हवाले से कोई ऐसा कदम एग्जीक्यूटिव की तरफ से नहीं उठाया गया था और इवन जुडिशरी की तरफ से भी नहीं उठाया गया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी इस मामले की इंक्वायरी करना मुनासिब नहीं समझा, या जाहिर है उस इंक्वायरी की सूरत में बहुत से जमादारान के ऐसे नाम सामने आ चुके थे जो उस वक्त अदलिया की आला क्यादत और फौज की आला क्यादत के जाहिर है उस वक्त एक पेज पर थी, एक जैसे मकासद थे। ये काम अगर उस वक्त होता तो आज हम इस सिचुएशन को फेस ना कर रहे होते। आज ये जो मेरे साथी जजेस हैं, इनके कर्ब और दुख को मैं महसूस कर सकता हूं और इन्होंने ये जो कदम उठाया है इस हवाले से ये एक खुशाइन बात है कि गो के टेक्निकली ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाने वाला मामला नहीं था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इसको एक बड़ा वाइजली इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए फुल कोर्ट मीटिंग में रखा। उसमें डेलिब्रेशंस के बाद ये तय हुआ कि इसको इस तरह किया जाए, वो आपके सामने है सारी बात, मैं उस की तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं इसलिए खुश हूँ इस लिहाज से कि फॉर द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट इस तरह के इल्जामात की हसासियत और नजाकत को महसूस करते हुए कम से कम एक इंक्वायरी कमीशन जो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत है, उसके टीओआर्स जो है वो कल तक शायद सामने आ जाएंगे और कौन उसको हेड करेगा ये भी सामने आ जाएगा। तो इट इज ए स्टेप फॉरवर्ड और जो आज से 7 साल पहले अगर हो जाता तो अगेन सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ हो। लेकिन शौकत साहब जरा बताइए कि अब जो तहकीकात आगे बढ़नी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, यानी कि जो लोग दबाव डाल रहे थे, जो धमकियां दे रहे थे, उनको रिप्रिमांड करें, उनके खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन हो, या हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि आइंदा इस मदाखलत को रोका कैसे जाए, उस हवाले से अगर कानून साजी करनी है या जैसे जजेस ने कहा है कि हमें बताया जाए कि अगर इस तरह का कोई माहौल होता है तो फिर हम कैसे उस पर अपना लायमल दें और हम कैसे रिएक्ट करें, आपके ख्याल में होना क्या चाहिए? देखें जो रेमेडियल स्टेप्स होते हैं ना वो तो देखें आप इसी सूरत में ही वो ले सकते हैं कि जब आप किसी भी जिम्मेदार जिसके ऊपर आप लायबिलिटी पेश करते हैं उसके अगेंस्ट कोई फाइंडिंग दें और उसको उसके कानून के मुताबिक उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अब महज कानून साजी करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास ऑलरेडी बहुत से कानून मौजूद हैं जिसके पास खुद भी बहुत सी पावर होती हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट और दूसरे जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं उनके तहत भी होती है। असल तो चीज ये है कि इस चीज को रोका जाए और जो 77 साल से इस सारे मामलात को करने में मुलवस है एटलीस्ट टू बिगिन विद
उनको कम से कम उनकी निशानदेही करके उनके ऊपर लायबिलिटी पेश करें और उनको इबरत का निशान बनाएं। लेकिन लायबिलिटी लायबिलिटी कैसे फिक्स करें शौकत साहब? जैसे ये जो छह जजेस का खत है उसमें आपने खुद पढ़ा होगा कि जजेस कह रहे हैं कि इस किस्म के जो वाकयात होते हैं उसके कोई सबूत नहीं होते, तो बाजार तो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें कटहरे में खड़े करेंगे और हमसे सबूत मांगेंगे तो वो हमारे पास है नहीं, और जब आप इस पे बुलाएंगे एग्जीक्यूटिव को तो वो डिनाई कर देंगे, वो कहेंगे कि नहीं हमारी तरफ से तो दबाव डाला नहीं है, तो फिर जुडिशरी चाहे वो कमीशन हो या 1843 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट मुकदमा सुने तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कैसे करेंगे अगर सबूत ही नहीं होते इन तरह की चीजों के? बुनियादी बात तो ये है कि अगर मुझसे कोई बंदा राबता करता है तो मुझे तो पता है कि मुझसे कौन बंदा राबता कर रहा है। मैंने फैज हमीद का नाम दिया, मैंने ब्रिगेडियर इरफान रामे का नाम दिया, ये तो नहीं है कि कोई गैर मरी जो कुवतें हैं और वो फिजिकल एग्जिस्टेंस के बगैर आकर कोई बात कर देती हैं। कोई ना कोई जो एपिसोड होता है उसके पीछे कोई जिम्मेदार, मसलन मैं एक मिसाल के तौर पर आप कह मेरे इस कमरे में मैं कहता हूँ जी कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, मैं अब जो जिस कॉन्ट्रेक्टर को इस ये काम असाइन हुआ है उसको इंक्वायर करना चाहिए कि भाई यहाँ पे कैमरे कैसे लग गए, और फिर उसके बाद जाहिर है इसी तरीके से चीजें अनफोल्ड होती है। इवन एक मर्डर का भी केस होता है ना, फर्ज करें किसी केस में कोई नॉमिनेट नहीं है, फिर सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसको हम कहते हैं वो लीड करती है किसी भी कल्प्रेट की तरफ। तो ये चीजें जो है मैं कम अज कम इस हवाले से ये जरूर समझता हूँ कि अगर अगर ये चीजें जो है बिल्कुल नहीं, किसी के पीछे कोई एविडेंस कोई मौजूद नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं है, तो फिर आप खुद बताएं कि क्या मेजर्स लिए जा सकते। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस पास कर दें जी। मैं आप यकीन करें शहजाद साहब, मैंने अपने जुडिशियल ऑर्डर्स में कम अज कम 6 से 8 मरतबा ऑब्जर्वेशंस देकर वो ऑर्डर मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भिजवाए कि जी आपके लोग ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर। तो बात ये है कि क्योंकि मैं उस वक्त इस पोजीशन में भी नहीं था कि मैं उनके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करता, क्योंकि साकिब निसार साहब ऊपर बैठे हुए थे, मुझे पता था जो ही होगा उन्होंने कहना अच्छा एनोमी मिसिंग पर्सन भी शामिल कर दो। तो कहने का मकसद ये है कि देखें हमें ये तो एक जरूर होना चाहिए ना, जैसा अमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट है, ठीक है मैं दारों का कुछ नहीं हुआ मैं दो बातें आपसे पूछ रहा हूँ लेकिन क्योंकि मैं इसीलिए सबूत की बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए जजेस खुद लिख रहे हैं ना कि हमें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल गाइड करे कि हमारा कंडक्ट क्या होना चाहिए हम कैसे रिएक्ट करें हमारे लायमल क्या होना चाहिए वो भी इस हद तक इस बात को महदूद रख रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि आप नोटिस लें और एक्शन लें। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट का ये हाई कोर्ट का कोई भी जज है ना जी उस जब वो ओथ उठाता है ना तो उसको पता होता है कि उसने अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है और वो जो है उसको जो फियर एंड फेवर विदाउट फियर एंड फेवर बड़े बुनियादी अल्फाज हैं जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में उठाते हैं। तो इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि मैं इसलिए अपने केस का जब मैं मुआवजा करता हूँ और उसी के ऊपर मेरे इन भाइयों की भी रिलायंस है, तो मैं ये समझता हूँ एटलीस्ट या किसी एक फोरम पे जो सुप्रीम कोर्ट के उसके तहत और एग्जीक्यूटिव के ज्वाइंट उसके तहत एक हो रहा है, कम से कम किसी फोरम पे ऑन दी रिकॉर्ड आपको कोई बात कहने का मौका तो मिल रहा है। लेकिन ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि आप कम से कम इस पेशरफ से मुतमईन है कि एग्जीक्यूटिव ने इस पे एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया, लेकिन अब मुझे जरा बताइएगा ये 6 जजेस आपके ख्याल में क्या एक साबिक जज के सामने पेश होंगे और एग्जीक्यूटिव का ये फैसला है कि वो साबिक जज कौन होंगे, TORs भी उन्होंने तय कर रहे हैं और इन जजेस का जो एलिगेशन है वो भी एग्जीक्यूटिव की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वहां से जो है हमारे ऊपर दबाव आता है, मदाखलत होती है, तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा आपके ख्याल में? कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जो भी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है ना, आप यही समझ लें जैसे वो सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके पास तमाम इख्तियारात होते हैं और जाहिर है वो जो इशू उसके सामने TORs के हवाले से भेजा जाता है तो उसके तहत वो फिर किसी भी बंदे को तलब कर सकता है, किसी भी अथॉरिटी वाले को बुला सकता है, कोई भी रिकॉर्ड जो है वो समन कर सकता है। और तो एक हाई कोर्ट का जज आपके ख्याल में इस तरह के कमीशन के सामने वो पेश हो जाएंगे? होना चाहिए। देखिए ना, आपने एक चीज इन्वोक की है,
और जाहिर है उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं तो वो तो जहर पता होने चाहिए। मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई आप किसी फेडरल सेक्रेटरी के पास पेश हो रहे, किसी आईजी के पास नहीं पेश हो रहे, आप इसी सिस्टम का जो हिस्सा है। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुद को चाहिए था कि वो कार्रवाई को आगे बढ़ाते 1843 में तो वो ज्यादा मुनासिब होता, ये अदलिया का मामला है, जुडिशरी को इसमें सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा इसमें अहम किरदार अदा करना चाहिए था, आपके ख्याल में वो ज्यादा बेहतर होता? शहजाद साहब बुनियादी बात तो देखें ना, ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई बंदूक बरदार फोर्स तो होती नहीं है कि वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवा सके। उन्होंने अगेन एग्जीक्यूटिव को ही कहना है कि काम इस तरह करें और इस तरह करें, ठीक है। अभी 1843 का जो स्कोप है वो इसके बाद भी मौजूद है, वो रेमेडीज के बाद भी मौजूद है। सही है। मैं तो ये कहता हूँ अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय नहीं हुई, अभी कमीशन का नॉमिनेट नहीं हुआ, ठीक है, तो हम उससे पहले अगर एक चीज को मतनाजा बना देंगे तो हम उसके बाद कैसे ये बहुत बहुत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत अजीज सिद्दीकी, जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौकिफ शामिल करते हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने। हामिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा, कल तक वफाकी काबीना जो है वो नाम भी फाइनलाइज कर लेगी, आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला है? बिल्कुल गलत है, और ये फैसला जो है ये उन जजेस के बिल्कुल खिलाफ है, और वो जानबूझकर जो कुछ किया है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको छुपाने के लिए, उनको रास्ता देने के लिए इस किस्म का फैसला किया गया है, क्योंकि ये डिमांड वकला की सारे पाकिस्तान में ये डिमांड है कि जो जुडिशियल कमीशन है वो हाजिर जजों की के साथ बनाया जाए, पांच हों। बेहतर तो ये है कि सीनियर मोस्ट पांच जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस करें वो कमीशन बैठे, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। तकरीबन सारी हाई कोर्ट के जजेस ने इसके ऊपर उन्होंने शिकायत की है और बहुत संगीन इल्जाम लगाए हैं, और इसलिए इसमें आम कमीशन बनाना बिल्कुल गलत होगा, और उससे ये है कि जो कुछ हुआ है उसको किसी हद तक ये छुपाने और उनको बचाने के लिए जो लोग इस किस्म की कार्रवाई में मुलव्वस हैं। लेकिन आपने कल सुना होगा हामिद खान साहब, जो लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वो शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में आए, बड़ा तफसील से उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ था जिसमें ये फैसला किया गया, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वजीर आजम से मुलाकात करनी, और ये प्रपोज वहां से हुआ कि रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके ख्याल में ये फैसला क्यों किया होगा फुल कोर्ट में? आजम नजीर तारर के किसी बयान पर यकीन नहीं रखता, जो उसका हमेशा से कॉन्डक्ट रहा है, मैं उसके किसी बयान पर को मानने को तैयार नहीं। लेकिन मुझे यकीन है कि जो बात वो कह रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। लेकिन जो हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट का अपना जो ऐलामिया आया है उसमें भी इस कमीशन को इंडोर्स किया गया है, और उसमें कहा गया है कि हमने वजीर आजम से दरख्वास्त की, मुलाकात की, और हमने प्रपोज किया कि एक कमीशन बनाया जाए रिटायर्ड जज की सरबराही में, तो सुप्रीम कोर्ट के ऐलामिया में भी इसका जिक्र है। मैं समझता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है तो उन्होंने एक तारीखी गलती की है जिसका सारी जुडिशरी भुगतेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त इस किस्म की कोई भी कार्रवाई कराते हैं तो वो अदलिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल पैदा करेगी। आइंदा से इससे इस किस्म के मामला जो है सब हाई कोर्ट के साथ होंगे, सुप्रीम कोर्ट के साथ खुद होंगे। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट का इज्तिमाई ऐसा फैसला नहीं हो सकता, लेकिन अगर उन्होंने वाकई ये फैसला किया है तो बड़ा अफसोसनाक है। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ पाकिस्तान भर के वकला इसकी मुखालफत करेंगे। तो आपके ख्याल में होना क्या चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट 1843 के तहत ये मामला आगे लेके जाता, या फिर हुकूमत जुडिशियल कमीशन बनाती और हाजिर सर्विस पे बनाती जिसमें जजेस अपॉइंट करने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास चला जाता, क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उनके पास ऑप्शन ये था कि या तो सुओ मोटो लेके, और लेना चाहिए थे, इससे ज्यादा अहम चीज बुनियादी हकूक की सलब करने की क्या हो सकती है कि अदलिया को धमकियां दी जाएं, जिन्होंने लोगों को बुनियादी हकूक की तहफ्फुज करना है उन्हीं को धमकियां दे के उनसे गलत काम कराने की कोशिश की जाए, इससे बढ़कर बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी क्या हो सकती है? लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस का फर्ज था कि उन्हें आर्टिकल 1843 के तहत सुओ मोटो लेनी चाहिए थी,
अब भी मैं समझता हूं कि इस पर नजरसानी करें और उससे स्लो मोटर लें और उस पर कमीशन या फॉर्म करें या कम से कम स्लो मोटर कार्रवाई करें। और उनको वजीर आजम को बुलाने की, उनसे बात करने की क्या जरूरत थी? वो तो उन पर तो इल्जाम है, ही चीफ एग्जेक्टिव, क्योंकि एग्जेक्टिव ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी है एग्जेक्टिव ब्रांच के तहत होती हैं, और अगर एग्जेक्टिव ब्रांच के तहत हैं तो फिर एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव को बुलाना और उससे बात करनी तो नहीं बनती, बल्कि उसको समन करना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि बताओ तुम्हारे मातहत एजेंसियां क्या काम कर रही हैं, क्यों ये जजेस को धमकाने की कोशिश कर रही हैं, क्यों इस किस्म के गैर कानूनी गैर आइनी काम कर रही हैं। मैं खुद हैरान हूँ सुप्रीम कोर्ट इस कदर क्यों ढील दे रही है उनको इन सब। लेकिन हामिद खान साहब जरा बताइए, अगर आप कहते हैं कि सुमोटो लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, तो स्कोप क्या होता है, एग्जैक्टली केस कैसे आगे बढ़ता, किस चीज पे इंक्वायरी होती? क्योंकि जो खत हमारे सामने आया है उसमें तो 6 जजेस ने यह कहा है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हमें यह बताए कि अगर हमें कोई धमकी मिलती है, हमारे साथ इस तरह का सलूक होता है, तो फिर उसमें हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, हमें किस तरीके से उस पर लाएमल देना चाहिए। उन्होंने तो ये बात मांगी और वो खुद ये कह रहे हैं कि हमारे पास हर चीज को कि सबूत नहीं होते, एविडेंस नहीं होते, तो फिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर ये सुमोटो लेता तो कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती? देखिए दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये है कि उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा है, उसमें उनको गाइडेंस देनी चाहिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, क्योंकि वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो वो बनाते हैं और कोड ऑफ कॉन्डक्ट को एग्जीक्यूट भी वो करते हैं और इस तरह कॉन्डक्ट की कार्रवाई भी वो करते हैं, इसलिए उन्होंने अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से गाइडेंस सीख की है तो बिल्कुल जायज है, मुनासिब है। लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें नॉलेज में ले आए हैं चीफ जस्टिस के और सुप्रीम कोर्ट जजेस के, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। फिर फॉर इन शिकायत की बुनियाद पर सुओ मोटो एक्शन होना चाहिए था, चीफ जस्टिस को अपनी सरराही में एक कमीशन बना के इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए थी, ओपन कोर्ट में इंक्वायरी करनी चाहिए थी और उसमें एग्जेक्टिव ब्रांच को पूरी तरह समन करके उनसे रिपोर्ट्स हासिल करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि हमारे 6 जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, इन्होंने एक तारीखी जुर्रत का काम किया है और अगर उनको मुनासिब रिलीफ नहीं दिया गया तो आने वाले वक्तों में अदलिया के लिए एक बहुत गलत मिसाल कायम हो जाएगी और अदलिया इनसिक्योर हो जाएगी। लेकिन इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर सुमोटो केस होता, उसकी समाज शुरू होती, इन 6 जजेस को शायद उसमें बुलाया जाता और ये पहले ही कह चुके हैं हमारे पास सबूत नहीं होते इन तरह की चीजों के, और वाकई में इस तरह की बात के सबूत होते भी नहीं है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का आपने खुद मामला लड़ा, उन्होंने कहा मेरे घर आके धमकी दी थी, लेकिन जाहिर सी बात है इस बात का कोई सबूत नहीं होता, तो फिर ये मामला कैसे आगे बढ़ता? और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच अगर डिनाई कर देती कि नहीं हमारी तरफ से तो किसी ने दबाव डाला नहीं है, तो फिर ये कहां होता? फिर तो ये बात इंक्वायरी, देखिए इंक्वायरी होती ना, वो भी तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच से इंक्वायरी पे जाती, वो भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही करती। नहीं नहीं वो जुडिशरी करती, जुडिशियल ऑफिसर्स करते और एग्जीक्यूटिव को समन कर सकते थे और उनसे सारे सबूत हासिल कर सकते थे। जबकि एक जज ने ये कहा कि उनके ब्रदर इन लॉ को उन्होंने जाके शॉक्स दिए हैं, तो इसकी बिल्कुल हो सकती थी इंक्वायरी, पता करते कौन मुलव्वज़ थे, किसने ये काम किया, किसने उनको उठाया, क्यों उठाया। आपके ख्याल में आखिर में इस केस का जो नतीजा आता वो जजेस के लिए ही बुरा साबित नहीं होता, अगर वो कहते हैं कि हम इसके सबूत नहीं दे सकते जो उन्होंने अपने खत में भी लिखा है, उनके लिए ही ये आपके ख्याल में? देखिए ना जी, हम मफूजों पे नहीं चल सकते, लेकिन है कि जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं उनकी इंक्वायरी बहुत जरूरी थी, जो भी उसके नतीजा निकलता अच्छा या बुरा जो भी अपनी जगह, मैं यकीन रखता हूँ कि अगर प्रॉपर और इंपार्शियल इंक्वायरी होती, ये नहीं जो इंक्वायरी अब कराना चाहते हैं, इंक्वायरी कमीशन का किसी किस्म का कोई हमें उस पर क्रेडिबिलिटी नजर नहीं आती। जो भी कमीशन बने चाहे वो हाजिर सर्विस के अंडर हो या फिर वो रिटायर्ड जज हो, ये होना तो जो 2017 का एक्ट है उसके टीवर्ड्स हुकूमत ने बनाने, आपके ख्याल में बहुत ज्यादा फर्क है कि अगर एक रिटायर्ड जज हो अच्छी साख का वो इंक्वायरी कर रहा हो या हाजिर सर्विस जज कर रहे हो, क्योंकि जो स्कोप होगा जो टीओआर होंगे वो तो हुकूमत नहीं देने ना। बहरहाल देखिए हुकूमत टीओआर नहीं देखी, अगर तो ये मामला जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के हाथ में होगा या सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल कमीशन बनाएगी, उसमें वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होगा। जी उसमें नहीं होगा, ये तो हर तरह से हर चीज को दबाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ 2017 के लॉ के तहत जुडिशरी के हवाले से कोई कमीशन नहीं बनना चाहिए। हाँ और मामलात में कमीशन बन सकते हैं उसके तहत, लेकिन ये 2017 के कानून के तहत जजेस के मामलात में कमीशन बनना बिल्कुल नामुनासिब। कल हमने देखा पाकिस्तान बार काउंसिल जिसने ये कहा था, उनका मुतालबा यही था कि 184(3) में ये सुमोटो लिया जाए, लेकिन कल उन्होंने कहा कि अब ठीक है अगर फुल कोर्ट ने और
वजीर आजम ने बैठ के फैसला किया है तो ठीक है, हम इसके साथ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कहा था कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस की सरबराही में कमीशन बनना चाहिए, लेकिन अब वो भी ये कह रहे हैं कि ठीक है अगर ये बन गया और फुल कोर्ट की प्रपोजल पे बनाए तो फिर ठीक है, हमें वेट करना चाहिए कि आगे कैसे बढ़ता है ये मामला। देखिए उन दोनों ने जो पहले स्टैंड लिया है वो बिल्कुल दोस्त था कि सुओ मोटो लो, फिर ये कहा जुडिशल कमीशन बनाए तो हाजर जजेस का बनाए, यही उनका स्टैंड है। अगर उन्होंने बाद में स्टैंड बदला है तो यकीनी तौर पर उसमें उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज किया है, उनको छोड़ के वो कॉम्प्रोमाइज है। अगर ये दोनों बार एसोसिएशन बार काउंसिल जो हम जानते हैं कि इस इनके कहां कहां लिंक्स हैं, ये पीएमएलएन के साथ मिले हुए हैं इनकी लीडरशिप, उसमें खुद आजम रजीज तारफ का मेंबर है वहां पर, करता धरता वो है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जितनी पॉपुलर बार एसोसिएशन है पाकिस्तान में उनका स्टैंड बड़ा क्लियर है, वो कल वाली जो जुडिशियल जो कमीशन की बात की है उसके साथ नहीं है। जाहिर सी बात है हामिद खान साहब, जो जो इंडिपेंडेंट फोरम है वो आपके मुखालिफ इलेक्शन भी लड़ता है मुख्तलिफ बार्स में, लेकिन इस ग्रुप की शोहरत जिस पे आप कह रहे हैं कि नूनी के साथ मिला, उनकी शोहरत तो यही थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जो मदाखलत है एग्जीक्यूटिव के मामला में, जुडिशरी के मामला में हिस्टोरिकली उसकी मुखालफत करते हुए आए। वो हाँ लिप सर्विस तो जरूर देते हैं, लेकिन बहरहाल अभी तक देखिए ना आपके सामने ये एक स्टैंड लेने के बाद स्टैंड बदल लिया, उससे हम क्या अखज करें। इसका मतलब ये है कि ये दबाव में आ जाते हैं या इनको इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है, इसलिए वकला जो कॉमन लॉयर्स हैं वो इस चीज के खिलाफ हैं जो उन्होंने। और हमें साहब नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और वकील हैं, उन्होंने आज ये मैसेज किया है सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया कि हामिद खान लॉयर ग्रुप के सरबरा है, वो लीड करें, हम सब वकला सर कफन बांध कर निकलेंगे, तहरीक शुरू हो, ये वक्त है कि अदलिया हमारे इदारों को आज़ाद करवाने का, ये वक्त है कि इस मुल्क को आज़ाद करवाएं। तो क्या ऐसा कोई इरादा रखते हैं आप? मैं किसी पंजोता को नहीं जानता, छोड़ें उसकी कोई स्टेटमेंट है, वो भी पीटीआई के लॉयर किसी इमरान खान साहब से भी मिलते रहते हैं किसी के साथ मैं छोड़िए ये कोई वर्थ मेंशन भी नहीं था वो। तो बहरहाल वो वकला तंजीमें जो करेंगी वही ठीक होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के वकला का ये मामला नहीं है, ये मामला पाकिस्तान भर की वकला तंजीमों का है, बार एसोसिएशन का है और जहाँ के इंडिपेंडेंट बार काउंसिल्स हैं उनका है, वो करेंगी। अच्छा लेकिन और इंशाल्लाह ताला जरूर करेंगी। शेर अफजल मरवत साहब को आप यकीनन जानते होंगे, वो भी वकील हैं, उन्होंने कल एक प्रोग्राम में ये कहा आसमा शिराजी साहब के प्रोग्राम में कि मैं हैरान हूँ कि इन जजेस ने एक साल बाद खत लिखा, इनको तो उसी वक्त कंटेम्प्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए थी जो दबाव डाल रहे थे, जो धमकी दे रहे थे, आपके ख्याल में कैसा होना चाहिए था? बिल्कुल मैं ना उसके बयान की कोई अहमियत समझता हूँ, ये देखिए ये बात वकला के नुमाइंदे करते हैं, ये लोग वकला के नुमाइंदे नहीं हैं, ये मामला आप छोड़ें वकला के नुमाइंदों पर, जो बार एसोसिएशन है बार काउंसिल है वो करेंगी, जो मुनासिब होगा स्टेप वो लेंगे। लेकिन ये तो पीटीआई के रहनुमा है ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा, लेकिन आपके ख्याल में ये यहाँ पीटीआई की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पीटीआई की तरफ से बात नहीं कर रहा इस वक्त, मैं सोच वकला के तौर पे वकला की तंजीमों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। लेकिन वैसे वैसे क्योंकि अब ऑब्वियसली सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से भी गाइडेंस मांगी गई, लेकिन आपके ख्याल में ये ऑप्शन होता है जज के पास कि अगर दबाव हो उस पर प्रेशर डाला जा रहा हो तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दे, इस माहौल में आपके ख्याल में मुमकिन होता? देखिए इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो रहनुमाई मांगी है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की इन मखसूस हालात में वो मुनासिब कदम था और कोई इसमें खर्च नहीं है कि अगर वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आफ्टर ऑल वकला जो जजेस की प्रोटेक्शन की बॉडी है, आईनी बॉडी है, इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि कल को कहीं मिसकंडक्ट हम पर ना लग जाए तो हम इनसे पहले गाइडेंस दे दें कि क्या करना चाहिए, तो मेरे नजदीक इसमें कोई खर्च नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अब इसी मामले पर हम बात करेंगे जिसके लिए हमें ज्वाइन किया वजीर इत्तला अताउल्ला तारर ने। तारर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तारर साहब कल ये फैसला कर लिया गया कि कमीशन बनेगा रिटायर्ड जज की सरबराही में और कल तक शायद नाम भी सामने आ जाए, लेकिन इस फैसले पर तनकीद हो रही है, कहा जा रहा है कि जो जजेस का जो उनकी एलिगेशन है वो हसास इदारों पर है और एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत पर है, और अब हुकूमत ही फैसला करेगी कि कौन साबिक जज होंगे, TORs भी हुकूमत ही तय करेगी। इससे बहुत बेहतर होता कि या सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को देखती, या अगर हुकूमत ने 2017 के एक्ट के तहत इंक्वायरी कमीशन बनाना था तो कम से कम माजी की तरह हाजिर सर्विस जजेस की सरबराही में बनाया जाता।
बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत ने कदम उठाया है तो वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के एलामिये के मुताबिक उठाया है। ये हुकूमत का कोई यकतरफा अमल या कदम तो नहीं था कि कमीशन बना दिया जाए। अगर आपने वो एलामिया पढ़ा हो तो उस एलामिये के अंदर ये वाज़े हिदायत दर्ज है जी। कि आप एक कमीशन बनाएं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको कौन तनकीद का निशाना बना रहा है और क्यों बना रहा है। और देखिए छह जजेस एक खत लिखते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उस खत के तहत फुल कोर्ट बुलाते हैं, फुल कोर्ट एक इलामिया जारी करता है और उस इलामिया पे अमल करते हुए हुकूमत एक कमीशन बनाने जा रही है। तो तनकीद करने वालों को तो तनकीद नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तनकीद करने वालों ने शायद वो इलामिया नहीं पढ़ा या उनको समझ नहीं आई कि इसके पीछे मकसद क्या था एग्जेक्टिव आर्म है गवर्नमेंट का। देखिए हम अगर नेक नाम और अच्छी रेप्यूटेशन वाले जिनके पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस का नाम देते हैं या जजेस का नाम देते हैं तो फिर उस पर कौन इतराज करेगा और क्यों करेगा। मामला तो ये है कि उस खत के हवाले से मुकम्मल छानबीन हो और एक शख्स तो आप ये बताइए कि हुकूमत ये कैसे इंश्योर करेगी कि वो जो अच्छी शोहरत वाले शख्स होंगे उनके ऊपर किसी किस्म का इदारती दबाव नहीं आएगा, उनके प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो छह जजेस को तहफ्फुज देने में नाकाम हो गई और इसीलिए उनको ये खत लिखना पड़ा। मैं समझता हूँ, देखिए मैं सिंस एक अच्छे तरीके से और खुश असलूबी से ये मामला चल रहे हैं, मैं बिल्कुल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के छह जजेस के हवाले से कोई कमेंट नहीं करूंगा, ना मेरा कमेंट करना बनता है। बट इसमें और भी बड़े मुहरकात शामिल हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुशीर आलम साहब का या तसद्दत जिलानी साहब का या मंजूर मलिक साहब का या नासिरुल मुल्क साहब का नाम दिया जाता है तो इसमें क्या हर्ज है। ये चार वो लोग हैं जो बहुत ही अच्छी शोहरत के हामिल हैं, जिन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता और बतौर जज उनका करियर बेदाग है और उन्होंने हमेशा फैसले भी अच्छे दिए हैं बगैर दबाव के दिए हैं। चारों नामों से तो, भी नामों में से ही एक नाम होगा। देखिए हो सकता है, इस बात का इम्कान है कि इन चारों नामों में से कोई नाम हो सकता है, मगर कहने का मकसद ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का एलामिया आ गया और देखिए हमने तो इस मामले को संजीदगी से लिया, जब अटॉर्नी जनरल ये पैगाम लेके आए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आपको मिलना चाहते हैं तो कोई उसमें ताखीर नहीं की गई। अता साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब डेढ़ घंटे मुशावरत हुई तो आई एम श्योर डिफरेंट ऑप्शंस पे बात हुई होगी ना, तो क्या हुकूमत की तरफ से पेशकश नहीं की गई कि क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का मामला है, हमारा आइन ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात करता है तो बेहतर है कि जुडिशरी इस मामले को देखे, ऐसा कोई प्रपोजल हुकूमत की तरफ से दिया गया था? नहीं, देखिए जुडिशरी देख रही है ना, देखिए जुडिशरी के ही कहने पे अब मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट से बड़ा फोरम कौन सा है जो कहे हुकूमत को कि जी आप इस पे कमीशन बनाएं। हम किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं लगा रहे, किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को नहीं लगा रहे, हम किसी सिविल सोसाइटी के मेंबर को नहीं लगा रहे और हम एक सीनियर जज या साबिक चीफ जस्टिस को अगर लगा रहे हैं कमीशन का हेड जी तो दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा, हो जाएगा। लेकिन कोई तो जब आप लोगों की मुशावरत थी तो कोई तनकीद की बेजा तनकीद की समझ नहीं आती फैसलों की, कोई सेगमेंट ठीक है फैसलों की मैं कह रहा हूँ लॉजिक भी होती है ना, तो कल मुशावरत में क्या लॉजिक सामने आई, क्योंकि माजी में मेरे सामने जो इंपॉर्टेंट कमीशन है मेमो गेट हो गया, सलीम शहजाद, एबटाबाद इलेक्शन, दांधी, क्वेटा अमला केस, ऑडियो लीक्स केस, इसमें बाज ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद 1843 के तहत कमीशन बनाए और कुछ में हुकूमत ने हाजिर सर्विस जजेस को नॉमिनेट किया, तो इसकी क्या लॉजिक थी कि नहीं इस सिम्त में हमने आगे नहीं बढ़ना है और हमने रिटायर्ड जज की सरबराही में आगे बढ़ना है, कोई लॉजिक तो होगी ना जो पेश की गई होगी कल। हुकूमत का तर्जमान हूँ, वजीर इतलात हूँ, सुप्रीम कोर्ट का तर्जमान नहीं हूँ कि मैं एलामिया के ऊपर कोई कमेंट कर सकूं कि उसके पीछे उनकी क्या मंतव्य थी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मुशावरत जब हुई है कल तो उसमें तो कोई इस बात सामने आई होगी। ने अगर ये फैसला किया है और फुल कोर्ट का ये फैसला आया है कि कमीशन बनाया जाए तो हम तो उस पर अमल कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक मुस्बत कदम है और मेरी तो तवक्को ये थी कि अगर किसी सीनियर और एक अच्छी शोहरत के हामिल जज पे मुश्तमिल ये कमीशन बनाया जाएगा तो उसको वेलकम किया जाएगा, मगर तनकीद कौन कर रहा है क्यों कर रहा है ये बात मेरी समझ से बाहर है। इसकी, एक वजह तारा साहब ये भी हो सकता है ना कि आपने भी कहा कुछ और मुहरकात हो सकते हैं कल, तो तारा साहब ने कल आजम नजीर तारा साहब ने ये कहा कि देखिए इसकी टाइमिंग क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है नहीं की, इसका फैसला भी जो है वो कमीशन करेगा। फिर ये भी कल शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में क्या गया कि इसका ताल्लुक जो है इसमें एक किरदार पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भी है, तो जब आप इसको मामले को ही पूरा डाउटफुल बना रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हुकूमत इन जजेस के पीछे नहीं खड़ी हुई, इनकी नियत पे शक कर रही है। मैं बतौर हुकूमती नुमाइंदे के एस्पर्शंस कास्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, मगर बहुत सारी चीजें मेरे भी नॉलेज में हैं
और मुझे ये बताइए कि अगर ये इल्जामात परसिस्ट कर रहे थे तो फिर बंदयाल साहब के जमाने में ये क्यों काम नहीं किया गया और बंदयाल साहब के पास ये मामला क्यों नहीं लेके गए? ये वो तो गए, आपने खत नहीं पढ़ा 6 जजेस का, उन्होंने कहा लेके गए बंदयाल साहब के पास, बंदयाल साहब ने कहा कि बंदयाल साहब के पास, बल्कि उस वक्त काजी फैज इस्सा साहब सीनियर प्रीवियस जज थे, उनके पास भी लेके गए थे वो। नहीं देखिए, जिस तरह अब इन्होंने इस मामले को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में टेकअप किया है, क्या इस तरह टेकअप हुआ था या उस वक्त पब्लिसिटी के लिए हुआ था? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस इशू पे ना ऑपोजिशन कमेंट करे ना हम करें, ये फुल कोर्ट का एक इलामिया आया है, हम उस पर अमल पैरा हैं, इंसाफ को इंश्योर किया जाएगा और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर किया जाएगा जो मीटिंग में तय हुआ, और अगर कोई मुदाखलत हुई तो सामने आ जाएगी। कहने का मकसद मैं ये कह रहा हूँ अता तारा साहब के इस वक्त तो अगर जजेस ने जो खत लिखा है उसमें वाकई बड़ी खौफनाक डिटेल्स हैं। इस वक्त तो हुकूमत को उनकी पुश्त पे खड़ा होना चाहिए था, जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी के हवाले से आपके कायद नवाज शरीफ साहब हर जलसे में बात करते हैं कि देखें उन्होंने क्या इल्जाम लगाया, यानी कि वो इंडोर्स कर रहे होते हैं, उसके पीछे खड़े होते हैं, सच मान रहे होते हैं उसको यहाँ पे, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि सच है कि नहीं है। इतने सीनियर जजेस ने जब इल्जाम लगाया तो उसकी मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप क्या चाहते हैं कि हम कमीशन ना बनाए, हम जलसा करें? नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा जिनके हक में जारी करें, हमारा काम बतौर हुकूमत हमें जो फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कहेगा। देखिए, आपका भी मेरा भी बतौर पाकिस्तानी शहरी ये जिम्मेदारी है कि इस मामले को पॉलिटिसाइज होने से रोका जाए। नहीं, लेकिन आप लोग कर रहे हैं ना पॉलिटिसाइज, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप लोग कर रहे हैं पॉलिटिसाइज, आप लोग कह रहे हैं कि इसमें तरीके इंसाफ का किरदार है, इस खत में तरीके इंसाफ का किरदार है, ये कौन कर रहा है पॉलिटिसाइज? आजम नजीर तारा साहब निकल गए। किसी को भी अगर उन 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जात पे एतराज है या उन पे कोई शक है तो वो बात कर सकता है, मगर ये चारों वो नाम हैं जी जो बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल है, जैसा मैंने आपको अर्ज किया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि एक फोरम को खत लिखा गया, उस फोरम ने इलामिया जारी किया, हम एक थर्ड पार्टी है जिस पे एक्ट अपॉन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल बड़ा क्लियर मामला है। सही है। और मेरा ख्याल है इस पे बेजा तनकीद बनती नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि साथ साथ हुकूमत इसको पॉलिटिसाइज ना करे ना, ये कह के कि इसमें तहरीक इंसाफ का भी किरदार है और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। नहीं, ये बातें हुई है ना कल? कतर नहीं। देखिए, मैं इस पे कोई कमेंट ना मैंने किया, ना आजम साहब करेंगे, वो कर चुके हैं, हमारी हुकूमत का कोई नुमाइंदा करेगा। हम तो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर हो और इसकी शफाफ तहकीकात हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो इस पे मैं इवन ऑपोजिशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इसको पॉलिटिसाइज ना करें, एक इलामी आया है, हम उस पर अमल दरामद कराने जा रहे हैं और इसको इसी पे छोड़ दिया जाए। ठीक है, एक और मामला है। एक बात मैं और करना चाहता हूँ, एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से बड़ी छह मुगैया हो रही है। और जी प्लीज, मैं इस पे सवाल ही करना चाहता हूँ, मैं सवाल कर लेता हूँ, फिर आप एक साथ ही उसका जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आज ये खबर सामने आई है कि पहली मर्तबा फॉरेन मिनिस्टर को इसमें इंडक्ट किया जा रहा है, और आमतौर पे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं सीसीआई में, लेकिन उनका नाम निकाल दिया, यानी कि औरंगजेब साहब को निकाल दिया। अब इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि इससे पहले प्राइवेटाइजेशन की जो कैबिनेट थी, कमेटी थी, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उनको निकाल के वहाँ पे भी फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब को डाला गया। ECC जो हेड फाइनेंस मिनिस्टर करता है, वहाँ पे भी पहले वजीर आजम ने कहा कि मैं हेड करूंगा, बाद में उन्होंने चेंज करके फिर वजीर खजाना को उसमें डाला। ये क्या हो रहा है पूरा मामला? देखिए, मैं एक तो आईन को अगर आप पढ़ें, आईन ये बिल्कुल क्लियर करता है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो मुश्तर का मफादात काउंसिल है जी, वजीर आजम उसको चेयर करेंगे, उसमें वजरा आला होंगे और वजीर आजम 3 हकूमती वजरा को उसमें नॉमिनेट करेंगे। अब देखें, ये जो एक सेगमेंट है ना, कोई जो ये मनफी तासर फैला रहे हैं खुदा ना खास्ता कि जी इस पे कुछ चेंज किया गया है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई किसी को ना रिप्लेस किया गया है, ना निकाला गया है, ना किसी की जगह किसी को लाया गया है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वजीर आजम को ये इख्तियार है कि वो कोई भी 3 वजरा नॉमिनेट कर दें। तो ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि औरंगजेब साहब को निकाल के जो डार साहब को डाल दिया। औरंगजेब साहब होंगे तो इस सीसीआई में औरंगजेब साहब होंगे? मेरी अर्ज सुन लेना, हमारी हुकूमत जब बनी है पहली दफा मुश्तरका मफादात काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनने जा रही है। आइन के अंदर दर्ज है वजीर आजम, वजरा आला और 3 वजीर वो नॉमिनेट करेंगे। रिप्लेसमेंट का या सब्स्टिट्यूशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 3, मैं ये पूछ रहा हूँ, 3 वजरा में वजीर खजाना है या नहीं? गलत है, वजीर खजाना होंगे या नहीं होंगे इन 3 वजरा में? जो अभी नोटिफिकेशन हुआ उसमें तो वजीर खजाना नहीं है। क्यों? मगर ये जो तासर दिया जा रहा है कि उनको रिप्लेस किया जा रहा है, देखिए मैं क्लियर कर दूं हुकूमत की तरफ से। अतातार साहब, देखिए अतातार साहब, हमेशा ये तारीख रही है सीसीआई में फॉरेन मिनिस्टर तो आज तक नहीं हुआ, लेकिन वो पहली मर्तबा आ रहे हैं और वो सरदार साहब हैं, और हमेशा सीसीआई में वजीर खजाना होते हैं, केयरटेकर गवर्नमेंट थी उसमें भी उन्होंने शमशाद अख्तर साहब को डाला था। आईन की गलत तशरीह तो ना करें। आईन में क्या लिखा है? आईन में लिखा है कि आप 3 वजरा को करेंगे।
देखिए कुछ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए फेक न्यूज ये स्प्रेड कर रहे हैं कि औरंगजेब साहब को खुदा ना खासा साइडलाइन किया जा रहा है, ये तासर बिल्कुल गलत है। फाइनेंस मिनिस्टर फुली एम्पावर्ड है, वो प्राइम मिनिस्टर का पूरा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं और वो एक बाइख्तियार वजीर है और वो तमाम फैसले बड़ी तनदही के साथ बड़ी तवज्जो के साथ करते हैं और उनको पूरा इख्तियार है कि वो जो फैसले करें। और इसमें तारा साहब सीसीआई में इंटर प्रोविंशियल मैटर्स डिस्कस होते हैं, आप खुद बता दीजिए कि उसमें ज्यादा अहमियत वजीर खजाना की होगी जिसमें सूबों के कई मामलात हो सकते हैं, अभी केपीके का इशू है, सिंध का मामला है, या उसमें फॉरेन मिनिस्टर का होना ज्यादा जरूरी है या माली मामला ज्यादा जरूरी है? मैं तो ये समझता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर उधर बैठे हैं तो प्राइम मिनिस्टर को जो भी असिस्ट कर ले बहुत बेहतर है, और अगर फाइनेंस का मामला होगा तो अगर फाइनेंस मिनिस्टर से वजीर आजम उसको मशावरत करके हल कर दें तो ये वजीर आजम की स्वाबदीद है। ये जो तासुर है ना, देखिए ये तासुर गलत है, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर को बतौर एक कॉलीग के मैं कैबिनेट में देखता हूँ, वो पूरी तरह एम्पावर्ड है, तो ये एक तासुर गलत दिया जा रहा है कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं। ये तासुर इसलिए पैदा हो रहा है अता तारा साहब क्योंकि ईसीसी से उनको पहले हटा के वजीर आजम ने खुद सरप्राइज ली। प्राइवेटाइजेशन का मैं सवाल मुकम्मल कर लूं, प्राइवेटाइजेशन हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है, उनको वहां से हटा के फॉरेन मिनिस्टर को लगाया गया, क्या मानता है फॉरेन मिनिस्टर की वहां पे होने की, आप बताएं। फिर ये तीसरी कमेटी थी जो सीसीआई है, ये तीसरा मौका था जिसमें आपने वापस फाइनेंस मिनिस्टर को हटा के फॉरेन मिनिस्टर डाला है, तो तासुर तो आप खुद ही पैदा कर रहे हैं ना सर। नहीं, एक तो देखे ना, हटाया किसी को नहीं और डाला किसी को नहीं। देखिए मैं तो आइन की बात कर रहा हूँ, आपने पता नहीं कौन सा आइन पढ़ा है जिसमें लिखा है कि इसमें फाइनेंस मिनिस्टर होंगे और फॉरेन मिनिस्टर नहीं होंगे। आइन में तीन वज़रा का जिक्र है, ये बड़ी क्लियर बात है, एक तो इसको आउट ऑफ द वे कर देना, ये एक क्लियर बात है, इस पर कोई अफहाम नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ईसीसी का ये मामला हुआ के बाद में ये नोटिस में आया कि ईसीसी के तमाम फैसले क्योंकि काबीना के पास रेटिफिकेशन के लिए जाते हैं, इसलिए काबीना भी वजीर आजम चेयर कर रहे हैं, ईसीसी भी तो बेहतर है कि वजीर खजाना चेयर कर लें। वो मैं समझता हूं कि एक अच्छा फैसला था कि वजीर खजाना को वापस दे दी गई, तो इसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, किसी को साइडलाइन करना मकसूद नहीं है। अगर कोई एक फैसला बेहतर हो जाता है मैं समझता हूँ अच्छा है कि वो कंटिन्यू कर जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अता तारस साहब हमारे साथ मौजूद थे आज के प्रोग्राम में, इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।